ये हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब कोई बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज मैं 60's की हीरोइन शर्मिला टैगोर की इंस्पायर्ड लुक करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत ट्राई की हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ले रही हूँ जॉनसन एंड जॉनसन बेबी क्रीम। इसे मैं अपने एज ए प्राइमर अपने फेस पर लगा लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लैक्मी का फाउंडेशन। इसे अपने फेस में डॉट डॉट करके पूरी तरीके से लगा लूँगी, अच्छी तरीके से। आपके आईज़ के ऊपर भी लगा लेनी है ताकि डार्क सर्कल्स थोड़ा हाइड हो जाए। एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस में। देखिए, अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड कर लेनी है, मेक श्योर कि कोई जगह पैची ना लगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कंसीलर फ्रेंड्स, जो डार्क सर्कल्स हैं मेरे आईज़ के ऊपर, आईज़ के नीचे, उसे हाइड करने के लिए मैं ये हेल्प करेगी। तो इस तरीके से ब्रश से मैं पूरे कंसील कर लूँगी एंड मैं अपने फिंगर के हेल्प से इसे स्मर्ज कर लूँगी ताकि फाउंडेशन के साथ ब्लेंड हो जाए। ये देखिए हो गया है। नेक्स्ट मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। इसे मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन को सेट करने के लिए एंड जो मैं कंसील की हूँ उसे भी सेट करने के लिए मैं इसे यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं आईब्रो किट का यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने आईब्रो को डिफाइन करने के लिए आईब्रो किट का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपका आईब्रो अच्छा दिखे। देखिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं फेस को कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ। मैं उसी सेम पैलेट से ब्राउन कलर का शेड ली हूँ फेस को कॉन्ट्रिंग करने के लिए। छोटा सा एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे जस्ट डैप 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 करके स्मश कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये पैची ना लगे। देखिए नेक्स्ट अभी नोज़ को मैं कॉन्ट्रिंग करने वाली हूँ। इसके लिए मैं सेम ब्राउन कलर का शेड ली हूँ, देखिए, ताकि नोज़ थोड़ा सा स्लिम दिखे। एंड बीच में मैं क्रीम कलर का कंसीलर लगा ली हूँ एंड आईब्रोज़ को भी डिफाइन करने के लिए मैं क्रीम कलर का सेम कंसीलर ली हूँ। एंड उसी भी थोड़ा सा छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर से आपको स्मर्ज कर देना है अच्छी तरीके से ताकि फेस पैची ना लगे। ये देखिए हो गया है। नेक्स्ट जो है आई शेड ले रही हूँ फ्रेंड्स। मैं एक न्यूट कलर का शेड ली हूँ जो कि है लाइट ब्राउन कलर। मैं वही सेम आई शेडो अपने आईज़ के नीचे भी डाल लूँगी ताकि फेस ताकि आईज़ थोड़ा फ्रेश दिखे। एंड नेक्स्ट देखिए ब्लशर मैं यूज़ करने वाली हूँ। देखिए ब्लश, नेक्स्ट जो है मैं शर्मिला टैगोर के जैसे काजल लगाने वाली हूँ। ये देखिए, इससे मैं एक पेंसिल कलर पेंसिल ली हूँ, इसे मैं थोड़ा सा पहले शेप दे दूँगी, उसके बाद मैं अच्छी तरीके से भर लूँगी। ये देखिए मैं भर रही हूँ ऊपर से, ये देखिए। एंड वही सेम पेंसिल से मैं नीचे भी लाइन वाटर लाइन में भी यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा लाइट डालना है, ज़्यादा नहीं। देखिए नीचे भी थोड़ा सा बाहर तरफ मैं खींच दूंगी। मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ लिपस्टिक, लैक्मी का लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें ब्राउन कलर का एक शेड है, देखिए देखिए हो गया है फ्रेंड्स फाइनल लुक। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया मेरा फाइनल लुक। मैं हेयर स्टाइल सब बना के आ गई हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं जस्ट ट्राई की हूँ, बताना तो आप लोगों की है। एंड ये थोड़ा सा अच्छा लगे ये वीडियो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।